पता नहीं तुम्हारी बीवी का, नहीं पता हम जा रहे हैं अब गांव, मतलब मम्मी तो यहाँ से निकल जाएंगी। मम्मी तुम कहाँ जाओगी फिर, कौन सी मौसी के यहाँ जाओगी? मम्मी जा रही है घाटमपुर, तो मैं जाऊंगी फिर सीधा गांव अपनी दादी और दादा को सरप्राइज देने के लिए। सारी अपडेट देती हूँ मैं इस व्लॉग में अब। और अभी करेंटली हम लोग हैं रमईपुर साइड में। मम्मी रमईपुर? हाँ, तो रमईपुर साइड में हम लोग। अब इसके बाद से मैंने ले लिए एक तो फ्रूट्स ले लिए उनके लिए, और भी एक आध चीजें शायद मैं लूंगी रास्ते में। सब मैं जा रही हूँ दाई बाबा के लिए समोसे लेने के लिए। अरे मेरा चश्मा गिर गया था, तो मैं जाती हूँ इनके लिए समोसे लेके आती हूँ। और है कहाँ पे समोसे पहले तो मैं यही देख लेती हूँ, बिकॉज मुझे पता नहीं है कहाँ है। ये है वो शॉप जहाँ पे मैं हमेशा समोसे लेती थी, फिर मैं यहाँ पे समोसे लेती हूँ। वो समोसे तो ये ले लिए मैंने समोसे इनके लिए, और अब मैं ज़रा पानी की एक बॉटल भी ले लेती हूँ, क्योंकि गांव में ऑब्वियसली आ रहा तो होगा नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ से ले लेती हूँ फिलहाल के लिए। बहुत प्यास लग रही थी, और कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा अभी। कितने की है? इसमें डाल दो। तो ये सब ले लिया है मैंने दाई बाबा के लिए। वाह, ये है गड्ढे यहाँ के। ये तो मैंने मिस ही कर दिया था। चलो इसका तो फिर भी है रास्ता थोड़ा सा। ओहो, और ये यहाँ की हरियाली है जो साइड में है। ओहो, कैसे लहरा रहे हैं, तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। यही तो ग्रीनरी है, ये लग रहा है ताजे ताजे लगाए इन लोगों ने पौधे वौधे यहाँ पे। ये धान है, ये तो बड़े हो रहे हैं। अच्छा अच्छा, ये राम गंगा वाली कोई नहर है यहाँ पे जो कितनी सुंदर लग रही है। ओए होए वाओ। अच्छा, ये पुल वही वाला है क्या शायद जो टूट गया था? ये वो आगे है, बीच में। हाँ, टूटा था ये। इधर गांव ही लगता है। ये है, यहाँ से जाना है हमें। हाँ, मेरे को ये कट याद है। बहुत देखो जा रहे हैं बूढ़े अंकल मस्त साइकिल से ही। और क्या चाहिए इनको, ना गाड़ी ना घोड़ा, असली जीवन यही है। मुंह में गुटका भरे चल रहे हैं। उनको जरूरत है किसी चीज की, टाइम पास भी हो रहा है अपना मस्त। ये देखो साइकिल ही साइकिल है हर जगह। एक और पीछे कोई बाबा आ रहे हैं इधर। ये देखो साइकिल से कैसे, हमारे घर पे भी ये एक हायाबूजा दिखाती हूँ अभी। हाँ बाबा, कहाँ पे हो? हम बता। अच्छा बाबा, घर पे कब जाओगे? घर अभी जा रहे हैं खेत। अच्छा, तो घर आ जाओ फिर, दाई से बात करा दो मेरे को एक बार जल्दी। यार ये एक बार कानपुर में आता है। किसने कहा कानपुर में आओगे तुम? नहीं कान क्या? कानपुर में नहीं हूँ मैं। अरे मम्मी को बता रहे थे प्रेमला की आई है। अरे मम्मी आई है, मैं थोड़ी आई हूँ। मम्मी तो उसको देखने आई है, वो घर में कुछ वहाँ दिक्कत हो गई है ना। झूठ बोलो झूठ बोलो झूठ बोलो। आधा घंटा मत लगाओ, 10 मिनट लगाओ बस, 10-15 मिनट में घर पहुँचो। तो कहाँ आई हो घर है, कब तक घर आई है? अरे यार ये तो बवंडर हो गया। ये थोड़ा सा पूछ लेते हैं, मुझे लग रहा है सामने ही जाना है, बट पूछ लेते हैं उनसे। आंटी, पासी खेड़ा के लिए कहाँ से जाना है? पासी खेड़ा के लिए यही है। हो ठीक है, शुक्रिया। तो बस फिर यही काम करेंगे, गाड़ी थोड़ा सा 10 कदम पीछे खड़ी कर देंगे घर से, और घर चलेंगे फिर, और क्या। ये गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं गांव में, एंटर कर रही हूँ मैं जो हमारा गांव है प्रॉपर, और ये हम गली में जा रहे हैं। अब मैं फिर दिखाती हूँ। पर यहाँ पे दिक्कत ये हो गई है कि दाई और बाबा दोनों ही इस टाइम पे घर पे नहीं हैं, और बाबा है थोड़ा सा दूरी पर, दाई और कहीं पे है। तो अब देखते हैं वहाँ जा करके कि मिल पाते हैं वो दोनों इस टाइम पे एग्जैक्ट कि नहीं, या वेट करना पड़ता है। यहाँ से राइट, ये भी एक रास्ता, बट यहाँ से कार जाने वाला सिस्टम नहीं है।
तो गाइस इस साइड हम लोगों के खेत हैं जहाँ पे बाबा यहाँ घूम रहे होंगे हालांकि, बट दिखे नहीं। मेरी ताई तो थोड़ी सी मोटू सी भी है, ये तो कोई पतली सी आंटी है। वाह, अब फीलिंग आ रही है ना थोड़ी सी गांव वाली। आप कहीं कहीं आगे ही खड़ी कर देना यहाँ पे साइड में कहीं। गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं मेरे घर पे, मतलब गांव में हम लोग पहुंच चुके हैं, और हालांकि दादी दादा दोनों ही नहीं है यहाँ पे, और मैं उनसे पहले पहुंच गई। ये मिल गया मुझे सरप्राइज, तो तब तक मैं आपको होम टूर ही दे देती हूँ जब तक ये दोनों नहीं आते हैं। तो ये है हमारा घर। अरे बाप रे, कहाँ है ये दोनों। अब मुझे लगता नहीं कि मैं सरप्राइज दे पाऊंगी, क्योंकि बाबा के यहाँ पे जुगाड़ू दोस्त वगैरह सब यहाँ बैठे हुए हैं जो उन तक सारी अपडेट दे ही देंगे पहले ही। और ये है वो तालाब, आहा, जिसमें तालाब बचा नहीं, जिसमें सारी घास वास सब कुछ उग चुकी है पहले से ही। कहाँ है दाई, कहाँ है बाबा? दाई हिंद बैठी। कौन हुआ करो, कहाँ है दाई? कहाँ का जन दाई तो कहो चुकी, तो दाई जगह है। तो तुमको पता नहीं तुम्हारी बीवी कहाँ है, बताओ कहाँ है दूसरी जगह? हमको नहीं पता है, हम कोनो बीवी के ठेका डाल। हमको तुम गाजियाबाद अल्ले तो पैर नहीं छूओगे मेरे, मतलब तुम पहले नहीं वो तो छूएंगे क्यों नहीं जो नहीं तुम गई कहो गलत कहो। ये देखो किस रिपीट कर रहे मेरी बातों को। और बाबा बताना मत, जोश जोश में कहीं बता के आ जाओ। क्या बताएगी? बताना मत कि कोई आया है यहाँ पे। हाँ, अब देख लो झूठी बुला रही है। हाँ, तुम बहुत कलाकार है। मजा आया। हाँ, हम कलाकार काम करो, बताना मत क्योंकि हिमानी आएगी। इधर आओ। अरे जल्दी आओ। अरे ये मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं, ये मेरा सम्मान नहीं कर रहे। हंस के बता तो दो कि तुम्हें कैसा लग रहा है। तो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग गाइस। ये था सरप्राइज विजिट जो मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को दी है सरप्राइज करके यहाँ पे। दाई सुनो तो, तुम्हें कैसा लगा? इधर आओ जल्दी, अब वहाँ के आ नहीं रही है, अपने आप को सेलिब्रिटी समझ रही है। तो ये था आज का व्लॉग जिसमें मैंने सरप्राइज दिया। दाई कैसा लग रहा है तुम्हें? कह रही अच्छा लगता है, तुम्हें अच्छा लग रहा है मैं आई हूँ? अच्छा ठीक है, तो तुम सरप्राइज हुई, तुम्हें शौक लगा? हाँ बहुत शौक लगा है इनको। बाबा को शौक कम लगा, बाबा अभी भी व्यस्त है अपने दोस्त के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छी लगी आज की व्लॉग तो डू लाइक शेयर कॉमेंट और सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आपने भी अगर ऐसा कभी सरप्राइज करा है किसी को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, तो कॉमेंट्स में बताओ और बताना मुझे कैसा लगा आपको ये वीडियो। और सब्सक्राइब कर लो चैनल को जा करके। फिर मिलेंगे नए व्लॉग में। थैंक यू।